यूपी पुलिस के कांस्टेबल का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। इस कांस्टेबल का नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है, जिसमें वह खाने की थाली हाथ में लेकर आरोप लगाते हुए ये कह रहा है कि पुलिस लाइन के मेस में दाल में पानी ज्यादा होता है और रोटी कच्ची दी जाती है। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें इस तरह का खाना दिया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है। वीडियो में कांस्टेबल मनोज कुमार खाने की थाली लेकर पुलिस मुख्यालय के गेट पर खड़े हैं। ये वीडियो 10 अगस्त का बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के गेट के बाहर मीडिया कर्मियों के सामने खाने की शिकायत करते करते मनोज रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विभाग में उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कप्तान साहब पहले सुन लिए होते तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। कप्तान साहब निकल कर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप इसमें से 5 रोटी खा लीजिए, कम से कम पता तो चले कि आपके सिपाही 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये रोटियां खा रहे हैं। मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बेटे बेटियां ये रोटी खा सकेंगे। मनोज ने आगे कहा कि किससे कहूं, ये मेरे माँ बाप थोड़ी हैं। मैस मैनेजर के द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर थाली को लोगों के बीच लेकर गया तो तुम्हें बर्खास्त करके छोड़ेंगे। आप बताइए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं। मनोज ने बताया कि जब उन्होंने डीजीपी महोदय को फोन किया तो उनके पीएसओ ने कहा कि फोन काट दो, नहीं तो बर्खास्त करके घर भेज दिया जाएगा। एडीजी को फोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस लाइन के क्षेत्र अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है। फिर बाद में एक और ट्वीट में फिरोजाबाद पुलिस ने लिखा, मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधित जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता कांस्टेबल को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी और लापरवाही के मामलों में पिछले सालों में 15 बार सजा दी गई है। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। तो यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। जनता द्वारा, मेस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, इस थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो